रहा है जो इनका राज्यपाल का अभिभाषण था, उन्होंने कहा कि ये अभिभाषण में आपने बिल्कुल ये बातें नहीं लिखी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आज हो रही है। भाजपा लाई, भाजपा लाई, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्योंकि जो राज्यपाल जब आए हैं तो आप अपनी जो आप गवर्नर एड्रेस है उसको पूरा पढ़ो। संघर्षशील विधायक थे, उन विधायकों को आज इन्होंने धक्का मारकर विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज जी ने ये काम किया। आज युवा कांग्रेस एक शॉर्ट नोटिस के अंदर आज ये पुतला जला रही है सरकार का। जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास में शुक्रवार का दिन हिमाचल के लिए शर्मसार कर देने वाला रहा। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की गई। महामहिम राज्यपाल के सदन से बाहर निकलते ही कांग्रेस विधायकों के द्वारा रास्ता रोकने के दौरान धक्का मुक्की हुई, तो वहीं तुम शेर हम सवा शेर की कहावत सत्ता पक्ष पर सटीक बैठी। जहाँ लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आजादी और सवाल करने का अधिकार मायने रखता है, तो वहीं सत्ता पक्ष के चुने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी दायित्व बनता है कि संविधान के उस पद की गरिमा को बनाए रखा जाए। लेकिन इसके उलट विधानसभा डिप्टी स्पीकर सारी हदें तोड़ते नजर आए। वीडियो में उपाध्यक्ष साहब का गुर्राना साफ देखा जा सकता है, वही दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दमखम परखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 26 फरवरी 2021 का ये दिन कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। आपको बता दें कि सदन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जैसे ही अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, उसी बीच कांग्रेस विधायकों ने जमकर हंगामा कर दिया। हंगामा बढ़ने पर राज्यपाल ने अभिभाषण के 14 बिंदु पढ़ने के बाद बाकी पढ़ा हुआ समझ जाएं कहकर उसे सदन के पटल पर रख दिया और इस पर विपक्ष उग्र हो गया। मुकेश अग्निहोत्री ने अभिभाषण को पूरा न पढ़ने पर इसे झूठ का पुलंदा बता दिया। वही इस तरह विपक्ष का उग्र होना कहीं न कहीं जायज समझ लिया जाए, क्योंकि विपक्ष भी लगभग 3 साल के बाद गहरी नींद से जागा है। विपक्ष का जागना भी जरूरी है क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव भी तो होने हैं और इस तरह विधानसभा में हंगामे को देखते बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के चलते सोशल मीडिया पर लोगों के रुझान आने शुरू हो गए हैं। हिमाचल की जनता कहीं ना कहीं हिमाचल में कोई दूसरा अल्टरनेट ढूंढना चाह रही है, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर राजन सुशांत की पार्टी भी हिमाचल में सक्रिय हो गई है, जो बीजेपी और कांग्रेस के लिए खतरा पैदा कर सकती है। आपको बता दें कि विधानसभा बजट सत्र के दौरान हुए हंगामे के बाद सत्ता पक्ष के प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री समेत कांग्रेस के 5 विधायकों को इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया, तो दूसरी ओर विधानसभा सचिवालय प्रशासन ने कांग्रेस विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये FIR हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर राज्यपाल को रोकने की कोशिश के लिए प्रासंगिक धाराओं के तहत शिमला के बालूगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। विधायकों के निलंबन और FIR को देखते हुए कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में ये बात भी सताई जा रही है कि हंगामे के जिम्मेदार सत्ता पक्ष के विधायक भी हैं, क्योंकि ताली हमेशा 2 हाथ से ही बजती है, तो उनका निलंबन क्यों नहीं, उनके ऊपर FIR क्यों नहीं, जनता का ये सवाल भी जायज है। सदन की कार्रवाई को सोमवार 1 मार्च दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। फिलहाल देखना होगा कि 1 मार्च को हिमाचल विधानसभा में किस तरीके का माहौल बनता है। कूड़ा कचरा है जो इनका राज्यपाल का अभिभाषण था, उन्होंने कहा कि ये अभिभाषण में आपने बिल्कुल ये बातें नहीं लिखी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आज हो रही है। भाजपा लाई, भाजपा लाई, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्योंकि जो राज्यपाल जब आए हैं तो आप अपनी जो आप गवर्नर एड्रेस है उसको पूरा पढ़ो। हमारे तमाम संघर्षशील विधायक थे, उन विधायकों को आज इन्होंने धक्का मारकर विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज जी ने ये काम किया। आज युवा कांग्रेस एक शॉर्ट नोटिस के अंदर आज ये पुतला जला रही है सरकार का। जयराम ठाकुर, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
का गूंज उठेगा।